पहली बार एसएससी ने बोला है ना कि हमें फंडिंग करी जा रही है, मैडम वही बताएगी कि हमें कोई फंडिंग नहीं करी जा रही है। क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना किसी को इंस्टिगेट करना होता है? ये एसएससी का कहना है कि हम इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनको सिर्फ मेरी आवाज दबानी आती है, करप्शन क्यों नहीं दबा पाते? वो बच्चे अंदर गए थे कल एसएससी ऑफिस में बात करने, वो मेरा स्टूडेंट नहीं था। और यहाँ पर कई ऐसे छात्र हैं जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हम जितना मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जितना मेहनत से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपने मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलना चाहिए, बस। आप अगर पढ़ के नौकरी पाने के लायक है तो नौकरी मिलना चाहिए, नहीं लायक है तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नालायक को नौकरी क्यों मिल रही है? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पीटीसी ग्राउंड में चले जाए जहाँ पे एसआई का सिलेक्शन होने के बाद और जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी पकड़ लिया जा रहा है। अभी एक जो हमारी एक बस बच्चों ने जीटीपी नगर से उठा लिया, ठीक है, और पुलिस उनको वहाँ पे रोक लिया, बस भी जब्त कर लिया। दो बस सारे थे भर के, एक बस के बच्चे आ गए, एक बस के बच्चे अभी कहाँ है? लेकिन हमारा एक छात्र अभी भी नहीं आया है जिसको सुबह पकड़ के।